लेंसेस में सबसे पहले हम लोग जरा बेसिक्स करेंगे। तो बेसिक्स क्या, पहली चीज एक लेंस रहता कैसे। तो दो टाइप का लेंस है, पहले वाला जो लेंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव। ओके, ये वाला टाइप के लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस। और दूसरा जो लेंस है, ये जो लेंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनवेक्स लेंस बोलेंगे। तो दो टाइप का लेंस है, एक होता है कॉनकेव और दूसरा रहता है कॉन्वेक्स। अभी सबसे पहले इसका थोड़ा बहुत डेफिनेशन से तो वो मैं जरा समझा देता हूँ। तो फर्स्ट वाला डेफिनेशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब अगर सपोज मैंने ये इतना पार्ट लिया, ठीक है, ये जो इतना पार्ट है ये क्या फॉर्म करता है, एक स्पीयर फॉर्म करता है। ठीक है, ये जो कर्व है ये क्या करता है, एक स्पीयर फॉर्म करता है। ये स्पीयर का जो सेंटर रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब क्या, एकदम सिंपल लॉजिक है कि देखो इसका जो कर्व आता है, ये जो कर्व है इसको अगर मैंने क्या किया, एक्सटेंड करके एक सर्कल बनाया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक समझ गया सबको, ये सेंटर में रहता है कोई भी स्पीयर का। नेक्स्ट आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहता है, अभी ये स्पीयर फॉर्म हो रहा है, तो ये जो स्पीयर फॉर्म होता है इसका जो रेडियस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल एक्सिस। अभी देखो अगर आप अगर नोटिस करोगे कि ये जो है ये साइड पे एक स्पीयर बनाता है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, और ये वाला पार्ट क्या करता है, ये वाले साइड पे एक स्पीयर बनाता है। ये सर्कल का सेंटर ये रहेगा C1, ये सर्कल का सेंटर ये रहेगा C2। एक लाइन जो क्या करता है, दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब क्या, लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ टू स्पीयर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। मतलब क्या, अभी देखो ये वाला जो पार्ट है ये क्या करेगा, एक स्पीयर फॉर्म करेगा ये साइड पे, ये वाला जो पार्ट है एक स्पीयर फॉर्म करेगा ये साइड पे। तो इस ये सर्कल का मतलब ये स्पीयर का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, ये स्पीयर का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। तो जो लाइन जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और ये जो कॉमन एरिया है, ये जो कॉमन एरिया है ये क्या फॉर्म करेगा, लेंस फॉर्म करेगा। ये क्या फॉर्म करेगा, लेंस फॉर्म करेगा। सेम वे अगर मेरे को ये वाले स्पीयर के लिए बनाना है, तो ये वाले स्पीयर के लिए मैं कैसे बना सकता हूं, इसका स्पीयर कुछ ये साइड पे बनेगा और इसका स्पीयर कुछ ये साइड पे बनेगा। मतलब यहाँ पे बीच में क्या रहेगा, एक गैप रहेगा। अगर मैंने ये गैप को ज्वाइन किया तो मेरे को क्या मिलेगा, एक लेंस मिलेगा। और एक कैसे टाइप का लेंस रहेगा, कॉनवेक्स लेंस रहेगा। ये कैसे टाइप का लेंस रहेगा, कॉनवेक्स। ये स्पीयर का सेंटर कुछ यहाँ पे रहेगा, ये स्पीयर का सेंटर कुछ यहाँ पे रहेगा। लाइन जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को जो ज्वाइन करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा, ये जो स्पीयर है इसका जो रेडियस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो दो कॉमन एरिया आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस। यहाँ पे जो लेंस रहेगा ये क्या रहेगा, कॉनकेव रहेगा। और यहाँ पे जो लेंस रहेगा ये क्या रहेगा, कॉनवेक्स रहेगा। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, अभी नेक्स्ट वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अभी ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर रहता है एक लेंस का सेंटर।
लेंस का जो सेंटर आएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। सपोज ये रहेगा हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, ये रहेगा हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर C। ऑप्टिकल सेंटर क्या रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर रहेगा हम लोग का लेंस का सेंटर। तो यहाँ पे लेंस का सेंटर किधर आएगा, ठीक है, ये किधर रहता है, लेंस के इनसाइड पे रहता है और कहाँ पे लाई करता है, ये लाई करता है प्रिंसिपल एक्सिस पे। पहली चीज क्या है, ये लेंस के कहाँ पे है, ये है लेंस के इनसाइड पे और कहां पे है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस पर। पहली चीज ये ऑप्टिकल सेंटर कहां पे है, लेंस के अंदर और प्रिंसिपल एक्सिस पे है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है ये रहता है प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस हम लोग थोड़ी देर बाद देखते हैं क्या रहता है करके एग्जैक्टली। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस इनका फंक्शन क्या है पहले हम लोग वो देखेंगे, उसके साथ ही साथ हम लोग को फिर इसका प्रिंसिपल फोकस क्या है ये समझ में आ जाएगा। तो अभी फर्स्ट चीज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस बनाते। अभी कॉन्वेक्स लेंस इसके नाम से ही समझ रहा है कि ये क्या करेगा, कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग मतलब क्या, सपोज ये रहेगा हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस, चलो यहाँ पे मैं F1 मतलब फोकस 1 बनाता हूँ, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर और यहाँ पे F2 बनाता हूँ। तो जो भी लाइट रेस एंटर होए, ओके, यहाँ पे जो भी लाइट रेस क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, ये कहाँ से पास होएगा, ये पास होएगा प्रिंसिपल फोकस से। जो भी लाइट रेस एंटर होएगा ये कहां पे पास होएगा, प्रिंसिपल फोकस पे। तो यहां पे क्या हो रहा है, जो भी लाइट रेस आ रहे हैं ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है एक पॉइंट पे। कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट पे सारे आके क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। और ये जो पॉइंट है जहां पे सारे लाइट रेस आके मीट कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। सेम वे हम भी हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए। अब ये वाला मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर। अभी कॉन्वेक्स कॉन्वर्जिंग मिरर है तो कॉनकेव क्या रहेगा, कॉनकेव रहेगा डाइवर्जिंग, सॉरी मैंने गलती हो, डाइवर्जिंग। अभी डाइवर्जिंग का मतलब क्या है, बिखरना। मतलब क्या होता है, यहां पे सबसे ज्यादा ये रब कर रहा हूं ये साइड वाला, ओके, यहां पे क्या होता है, जो लाइट रेस आते हैं ये क्या होता है, बाहर के तरफ निकलता है। मतलब जो भी लाइट रेस अंदर के तरफ आएंगे ये क्या होएगा, बाहर के तरफ निकलेगा। सेंटर पे क्या रहेगा, सेंटर पे रहेगा हम लोग का ऑप्टिकल सेंटर, यहां पे रहेगा F1, यहां पे रहेगा अपना F2। सेम वे जो लाइट रेस यहां पे आएंगे ये क्या होएगा, बाहर की तरफ जाएगा, और यहां पे जो लाइट रे आएगा ये कहां होएगा, बाहर की तरफ। अभी ये सारे जो लाइट रेस है ये कहां पे आके मीट हो रहा है, ये वाले फोकस पे। ये लाइट रेस क्या हो रहा है, ये वाले फोकस पे आके मीट हो रहा है। तो भले ये लाइट रेस क्या हो रहा है, यहां पे आके क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, लेकिन इसका प्रिंसिपल फोकस क्या रहेगा, इसका प्रिंसिपल फोकस रहेगा सेम साइड एज द इंसिडेंट रे। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें प्रिंसिपल फोकस क्या रहेगा, इंसिडेंट रे के साइड पे रहेगा। तो इधर प्रिंसिपल फोकस कहां रहेगा, यहां पे रहेगा, और यहां पे फोकस, इधर देखो, इधर इंसिडेंट रे कहां पे रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड। यहां पे प्रिंसिपल फोकस कहां पे रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे के साइड पे रहेगा।
देखो कन्वर्जिंग में क्या होएगा, जो हम लोग का प्रिंसिपल फोकस आएगा, मतलब कॉन्वेक्स लेंस में, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे के साइड पे रहेगा। और कॉनकेव लेंस में हम लोग का प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे रहेगा, प्रिंसिपल फोकस रहेगा इंसिडेंट रे के साइड पे। क्लियर है? यहाँ पे किधर रहेगा, इंसिडेंट रे के साइड पे, यहाँ पे किधर रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे के साइड। अभी हम लोग जरा देखेंगे साइन कन्वेंशंस। तो अभी साइन कन्वेंशंस हम लोग को सिर्फ बेसिक जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से ये मालूम रहना चाहिए। तो ये वाला जो एक्सिस रहेगा, ये एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस, मतलब वर्टिकल एक्सिस हमेशा क्या रहता है, अपना वाई एक्सिस रहता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमेशा क्या रहेगा, हम लोग का एक्स एक्सिस रहेगा। ऊपर जो भी क्वांटिटीज आएंगे ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। नीचे जो भी क्वांटिटीज रहेंगे ये क्या रहेगा, नेगेटिव। राइट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटीज रहेंगे ये क्या रहेंगे, पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी क्वांटिटीज रहेंगे नेगेटिव। अगर सपोज हम लोग को एक ऑब्जेक्ट बोला है, ऐसे एक ऑब्जेक्ट दिया है, तो ये ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, ये ऑब्जेक्ट का हाइट हम लोग नीचे से मापेंगे, तो ये किधर के तरफ जा रहा है, ऊपर के तरफ। तो इसका जो हाइट आएगा, ये हाइट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट चीज जो है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस कहाँ पे है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस कहाँ पे है, राइट के साइड पे है। तो राइट के साइड पे जो भी डिस्टेंसेस हम लोग मापते हैं, तो ये डिस्टेंस क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। वैसे चलो हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं नीचे के तरफ। अभी यहाँ पे जो हाइट रहेगा, यहाँ पे हाइट किधर के तरफ जा रहा है, नीचे के तरफ, मतलब नेगेटिव के तरफ जा रहा है। मतलब यहाँ पे हाइट क्या रहेगा, नेगेटिव। डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस ओरिजिन से हम लोग मेजर करते हैं, तो डिस्टेंस क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऊपर के तरफ। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग का हाइट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्सिस के तरफ। यहाँ पे हम लोग का ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, नीचे के तरफ, मतलब हम लोग का हाइट रहेगा नेगेटिव। बस ये एक्सिस का डिरेक्शन जरा समझ। यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस कहाँ से मापते हैं, ओरिजिन से। ये जो डिस्टेंस रहेगा ये कहाँ पे रहेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा नेगेटिव। सेम वे हम लोग डिस्टेंस कहाँ से माप रहे, ओरिजिन से, और ये कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे। ये साइड पे जो भी डिस्टेंसेस रहते हैं ये क्या रहता है, तो ये साइन कन्वेंशन आपको सम सॉल्व करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइन कन्वेंशन बोलेंगे। अभी यहां पे देखो, ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ का जो डिस्टेंस आता है, मैं यहां पे लिखता हूं, ऑप्टिकल सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस का जो लेंथ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस का जो लेंथ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। अभी यहां पे तो हम लोग ने, अभी देखो यहां पे जो फोकल लेंथ है, किसमें, कॉनकेव लेंस में। फोकल लेंथ कहाँ पे है, फोकल लेंथ है राइट के साइड पे। हम लोग को मालूम है राइट के साइड पे जो डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको आगे प्रेस बायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में ये काम आएगा। अभी यहां पे फोकल लेंथ किसमें,
कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ कहां पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी डिस्टेंस को हम लोग क्या लेंगे, फोकल लेंथ को क्या लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि कहां पे है ये डिस्टेंस, लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी डिस्टेंस मापना है तो क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव। राइट हैंड साइड में कोई भी डिस्टेंस को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। फिर फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तो यहां पे डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि है वो राइट हैंड साइड पे। यहां पे ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। लेकिन यहां पे किधर है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे, इसीलिए क्या लिया हम लोग ने, नेगेटिव लिया। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, रूल्स देखेंगे लेंस के। इसमें इमेजेस जो फॉर्म होते हैं, इमेज फॉर्मेशन, मतलब ये आपको लेंस का जो रूल है उसमें काम आएगा। इमेज फॉर्मेशन जो रहता है इसमें कितना रूल रहता है, इसमें रहता है 3 रूल्स। तो रूल 1, अभी रूल 1 क्या है, रूल 1 है अगर सपोज हम लोग का ये रहेगा लेंस रहेगा, ये हम लोग का क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपना ऑप्टिकल सेंटर। अगर सपोज इंसिडेंट रे पैरेलल है, इंसिडेंट रे पैरेलल किससे है, प्रिंसिपल एक्सिस से, यहां पे क्या रहेगा हम लोग का प्रिंसिपल फोकस रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। तो ये इंसिडेंट रे कहां से पास होएगा, इंसिडेंट रे पास होएगा फोकस के अंदर से। इंसिडेंट रे कहां से पास होएगा, ये सॉरी, ये हम लोग का क्या रहेगा, मतलब अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास होएगा, रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, वापस समझाता हूं। रूल 1 क्या बोलता है कि अगर हम लोग का इंसिडेंट रे पैरेलल है किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास होता है, रिफ्लेक्टेड रे बाहर से पास होएगा प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास होएगा। सेकेंड आएगा हम लोग का रूल 2। अभी रूल 2 क्या बोलता है, रूल 2, अभी रूल 2 हम लोग का क्या बोल रहा है कि सपोज हम लोग का इंसिडेंट रे कहां से पास हो रहा है, इंसिडेंट रे पास हो रहा है फोकस के थ्रू, इंसिडेंट रे कहां से पास हो रहा है फोकस के थ्रू, तो हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे क्या रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे रहेगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रे सपोज पास हो रहा है फोकस के थ्रू, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या रहेगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मैं यहां पे लिखता हूं, अगर हम लोग का इंसिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस, तो हम लोग का जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगा ये क्या रहेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये जो हम लोग ने रूल लिखा इसका क्या हो रहा है, कंप्लीटली ऑपोजिट हो रहा है। यहां पे क्या था, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था, यहां पे क्या है, यहां पे रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द फोकस, यहां पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस हो रहा है। तो ये हो गया रूल 1, ये हो गया रूल 2। अभी रूल 3 क्या है, रूल 3 है ये दोनों का कॉम्बिनेशन। रूल 3 हम लोग को क्या बता रहा है, अभी रूल 3 हम लोग को ये बता रहा है, चलो वापस मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, लेंस बना रहा हूं, यहां पे क्या कर रहा हूं, फोकस बना रहा हूं। रूल 3 क्या बता रहा है कि अगर हम लोग का इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास होता है तो वो अनडिफ्लेक्टेड जाता है। अगर हम लोग का इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर तो रिफ्लेक्टेड रे क्या रहेगा, अनडिफ्लेक्टेड जाएगा। क्लियर,
वापस लिखता हूं, इंसिडेंट रे पासेस थ्रू, कहां से पास हो रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो हम लोग का जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे क्या रहेगा, अनडिफ्लेक्टेड पास हो, ठीक है। ये हो गया हम लोग का रूल थ्री। तो जस्ट पूरे इससे जो भी हम लोग ने अभी तक किया जस्ट पूरा गो थ्रू करो, कोई भी अगर डाउट रहेगा तो पूछ लेना, जस्ट एक बार गो थ्रू करो, फिर हम लोग पावर ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन, ये सब टॉपिक्स निपटाएंगे। तो एक बार जरा रूल्स के थ्रू गो थ्रू करो, किसी को कोई भी डाउट रहेगा पूछ सकता है, मैं 5 मिनट देता हूं, कोई भी टॉपिक नहीं समझा पूछ लो। ओके, अभी हम लोग का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है लेंस फॉर्मूला। अभी यहां पे आपको 3 फॉर्मूला है ये चैप्टर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सम्स में काम आएगा। तो सबसे पहले आता है लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला हम लोग ने पिछले साल भी देखा था मिरर के फॉर्मूला से, 9th स्टैंडर्ड का जो है, ऑलमोस्ट द सेम फॉर्मूला है। क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या आएगा, 1/f। तो ये v क्या इंडिकेट करेगा, v इंडिकेट करेगा इमेज डिस्टेंस, u हम भी इंडिकेट करेगा, u इंडिकेट करेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और हम लोग का f क्या इंडिकेट करेगा, f इंडिकेट करेगा फोकल लेंथ। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला। अभी आपको इसके थ्रू मैं आपको एक सम देता हूं। सपोज बोला है आपको क्वेश्चन में कॉन्वेक्स लेंस दिया है, कॉन्वेक्स लेंस, तो आपका जो फोकल लेंथ आएगा, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, ये आपको याद करना पड़ेगा साइन कन्वेंशन। और अगर सपोज आपको दिया है कॉनकेव लेंस, तो हम लोगों को मालूम है कॉनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ रहता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो सपोज आपको साइन कन्वेंशन बताया नहीं है, सिर्फ बोला है कॉन्वेक्स लेंस से कॉनकेव लेंस से, तो आपको याद रखना पड़ेगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ इज नेगेटिव, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सपोज एक सम दिया है, सपोज बोला है आपको कि एक ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस किया है, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस किया है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा, और इसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। हम लोग को बोला है इमेज फॉर्म हो रहा है राइट के साइड पे, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या लेंगे, बी, और राइट के साइड में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सपोज और एक एग्जाम ऐसे दिया है जिसमें बोला है इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर फॉर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो जो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा ये दोनों कहां पे रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, दोनों का वैल्यूज क्या रहेगा, दोनों का वैल्यू रहेगा नेगेटिव वैल्यू। सपोज हम लोग को और एक टाइप का सम है, ये ऑरिगिक टाइप के सम में हम लोगों को क्या दिया रहता है, हाइट दिया रहता है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट अबव का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऊपर के तरफ है, तो यहां पे आपका जो हाइट आएगा ये हाइट क्या आएगा, पॉजिटिव। फिर आपको बोला है इमेज इज फॉर्म्ड बिलो का मतलब क्या है, ये कहां पे फॉर्म्ड है, नीचे के तरफ, मतलब आपका हाइट आएगा नेगेटिव आएगा। इसमें और एक जो साइन कन्वेंशन ये है कि हम लोग ऑब्जेक्ट का जो हाइट है इसको हम लोग लेते हैं h1, इमेज का हाइट को हम लोग लेते हैं h2। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूं। अभी जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, सेकेंड जो फॉर्मूला है ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अभी मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m के साथ, m का फॉर्मूला क्या रहेगा, m का फॉर्मूला रहेगा माइनस b अपॉन u।
ये नेगेटिव साइन मत बोलना, अगर आप नेगेटिव साइन नहीं डालोगे तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव साइन मत बोलना है, नेगेटिव साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये रहेगा रेशियो ऑफ v का मतलब है, v का मतलब है इमेज डिस्टेंस आएगा, इमेज डिस्टेंस अपॉन क्या आएगा, u का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका और एक एक फॉर्मूला है विच इज h2 अपॉन h1। अभी ये h2 क्या रहेगा, h2 हम लोग को बता रहा है हाइट ऑफ इमेज, और h1 क्या बताएगा, h1 बताएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला एकदम कॉमन सेंस वाला फॉर्मूला है, जैसे कि अगर आपको पूछा है कि आपका ऑब्जेक्ट कितने से मैग्निफाई हुआ, सपोज ये एक छोटा एक ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, ये एक छोटा एक ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर ये रहेगा हम लोग का ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफाई होने का मतलब क्या है कि हम लोग को वो ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, तो ये क्या रहेगा, उसका इमेज रहेगा। तो हम लोग को क्लियर कट समझ रहा है कि मैग्निफिकेशन का कोई भी फॉर्मूला आएगा तो हमेशा न्यूमरेटर में कौन रहेगा, न्यूमरेटर में रहेगा इमेज, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो अगर हम लोग का इमेज बड़ा आ रहा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज क्या हुआ है, मैग्निफाई हुआ है। सपोज ये रहा हम लोग का ऑब्जेक्ट और ये रहा हम लोग का इमेज, तो यहां पे आपका इमेज क्या हो गया है, छोटा हो गया है। जब भी इमेज छोटा हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डिमिनिश्ड बोलते हैं। पहले इसमें क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा था, मैग्निफाई हो रहा था, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट हो रहा है डिमिनिश्ड। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना, हमेशा न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए, न्यूमरेटर में आना चाहिए इमेज, न्यूमरेटर में हमेशा क्या आना चाहिए, इमेज आना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है जो आपको फॉर्मूला याद करते वक्त हेल्प करे। अभी जो सबसे लास्ट का जो फॉर्मूला है, और ये आपके एमसीक्यूज में आने का चांस है, और ये लास्ट का फॉर्मूला है पावर ऑफ लेंस। ये एक बहुत इजी और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पावर ऑफ लेंस का पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, पावर ऑफ लेंस क्या आएगा, वन अपॉन एफ इक्वल टू क्या रहेगा, वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ये एफ क्या बताएगा, ये एफ हम लोग को फोकल लेंथ बताएगा, फोकल लेंथ किसका, कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ बताएगा, जो हम लोग कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। एफ वन क्या बताएगा, एफ वन बताएगा फोकल लेंथ ऑफ लेंस वन, F2 क्या बताएगा, फोकल लेंथ ऑफ लेंस टू। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपको सपोज मैंने क्या दिया, दो लेंस दिया, ठीक है, ये लेंस का पावर है कुछ 1.2 डायोप्टर और ये लेंस का पावर है 1.5 डायोप्टर। आपको यहां पे क्या पूछा है, आपको यहां पे पूछा है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, इसका क्या मतलब रहेगा। तो सबसे पहले चीज आपको यहां पे पहले फोकल लेंथ का आपको कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ, तो आप क्या करोगे, वन अपॉन एफ इक्वल टू क्या होएगा, वन अपॉन 1.2 प्लस वन अपॉन 1.5। सपोज यहां पे दिया होता एक बाई कॉनकेव लेंस दिया रहता, मतलब बाई कॉनकेव लेंस, तो इसका कुछ तो वैल्यू आएगा 1.5D। तो आपका फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन यहां पे एक चीज नोट डाउन करना है कि जो
कॉनकेव लेंस रहता है इसका जो वैल्यू रहेगा फोकल लेंथ का क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। पहले यहां पे क्या था, कॉन्वेक्स लेंस था, इसीलिए क्या आया, पॉजिटिव आया। अभी यहां पे क्या आया, कॉनकेव लेंस, सॉरी अभी यहां पे क्या आया, कॉनकेव लेंस आया। कॉनकेव लेंस आने के कारण यहां पे क्या होएगा, फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी इसके पहले देखा था। लास्ट का जो फॉर्मूला है, लास्ट का जो फॉर्मूला रहेगा ये रहेगा पावर। अभी पावर का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, क्या करोगे, पी वन प्लस पी टू। अभी यहां पे क्या आएगा, 1.2 प्लस क्या आएगा, 1.5। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे है कॉनकेव लेंस, तो यहां पे पावर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हम लोग का ओवरऑल पावर क्या रहेगा, 0.3 डायोप्टर। सपोज यहां पे मैं क्या बना रहा हूं, कॉन्वेक्स लेंस बना रहा हूं, तो हम लोग का पावर क्या होएगा, हम लोग का पावर होएगा 1.2 प्लस 1.5 विच इज 2.7। तो आपको बस यहां पे फोकल लेंथ क्या रहता है समझ में आना चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ दोनों क्या रहेगा, पॉजिटिव। और अगर सपोज मैंने क्या किया, यहां पे कॉनकेव बनाया 1.5 डायोप्टर का, तो वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव, और इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा, -2। क्लियर है, नेगेटिव आएगा मतलब कॉनकेव, पॉजिटिव आया मतलब कॉन्वेक्स है। कोई भी डाउट रहेगा पूछ सकते।